नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गहमा थाना के हरिकेश मोड़ के पास गुरुवार को ही दोपहर पिकेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पीछा करके एक कार को पकड़ा। कार से 11 पेटी देशी शराब बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिन में करीब 2 बजे भदौरा बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की नजर एक तेज रफ्तार कार पर पड़ी। संदेह होने पर उन्होंने पीछा कर कार को हरिकेश मोड़ पर रोक लिया। पुलिस द्वारा कार की तलाशी लेने पर उसमें से 10 पेटी देशी और 1 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस संबंध में गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्त में आया व्यक्ति पटना निवासी नीरज कुमार यादव है। संबंधित धाराओं में अभियुक्त का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के देवकली पेट्रोल पंप के पास आरटीओ की चेकिंग से बचने के लिए भागा एक ट्रक चालक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक संजय यादव बिहार राज्य के भभुआ जनपद के मोहनिया थाना क्षेत्र के कटरा कला गांव का निवासी था। आरटीओ की चेकिंग से डर कर देवकली पेट्रोल पंप के सामने ट्रक खड़ा कर भागने लगा और किसी कारणवश पंप के सामने स्थित कुएं में गिर गया। दूसरे दिन गुरुवार को कुछ लोगों को कुएं से उठ रही दुर्गंध आई। लोगों ने कुएं में झांका तो देखा कि किसी व्यक्ति का शव पड़ा था। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देश पर मुख्तार अंसारी गैंग का खास 25,000 का इनामी महेंद्र गांव का प्रधान प्रतिनिधि मेहरुद्दीन उर्फ नन्हे खान को करीमुद्दीनपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह महेन गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद विनय गौतम ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग का बेहद करीबी सदस्य नन्हे खान, जो कि स्थानीय नदी पर कई करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध रूप से मछली पालन के उद्देश्य से अवैध पुल का निर्माण करा रहा था, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर उस मामले में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। नन्हे खान के ऊपर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार, उप निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक अभिराज सरोज, हेड कांस्टेबल कालीचरण, कांस्टेबल कमलेश कुमार और कांस्टेबल नरेंद्र शामिल थे। गुरुवार को गाजीपुर जिले में सुबह से ही धूप छांव का खेल चलता रहा। कभी घनघोर काली घटाएं छाई रही तो कभी तीखी धूप निकल के आ जा रही थी। धूप निकलने पर गर्मी होने पर एक तरफा जहां लोग निराश हो जा रहे थे, वहीं बदरी छाने पर राहत महसूस कर रहे थे। कभी कभी आसमान में इस कदर से काले बादलों का डेरा छा रहा था कि लोग अब तब झमाझम बारिश के कयास लगाने लग रहे थे, लेकिन शाम 7:30 बजे तक आसमान में काली घटाएं छाई रही और लोग अब तब झमाझम बारिश की आशंका जता रहे हैं। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव के गंगा तट पर गुरुवार की सुबह एक करीब 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मालूम हो कि गहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव के मजली पट्टी गंगा तट पर सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों ने एक युवक का शव पानी में उतराया हुआ देखा, जिसके बाद कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग मृतक की पहचान करने में जुट गए। पहचान न होने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। इस संबंध में 12 चौकी प्रभारी राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि 12 गंगा घाट पर एक व्यक्ति का शव मिला है, उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।